सिंगरौली जिले के 14 जिला पंचायत सदस्यों के बीच चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें सोनम सिंह को 10 वोट मिले हैं तो वहीं भाजपा समर्थित प्रत्याशी सत्यवती सिंह को 4 वोट मिले हैं। बता दें कि तेज बारिश के साथ चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की सारी व्यवस्था रही। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर विजय हुई कांग्रेस की सोनम सिंह की जीत की घोषणा हुई तो वहीं कांग्रेस की अर्चना सिंह की उपाध्यक्ष पद पर जीत हुई, जिसमें उन्हें 10 वोट मिले। जिला पंचायत सदस्य द्वारा मिले तो वहीं भाजपा समर्थित प्रत्याशी सत्यवती सिंह 4 मत मिले। अंतिम चरण में चुनाव संपन्न होने के बाद सोनम सिंह को जिला पंचायत अध्यक्ष घोषित किया गया। बता दें कि नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष सोनम सिंह पूर्व सांसद स्वर्गीय तिलक राज सिंह की बेटी है, जिनका कुछ महीनों पूर्व निधन हो गया था। वहीं भाजपा ने यहाँ भी अपनी पूरी ताकत झोंकी है, लेकिन उसे सफलता हाथ नहीं लगी। भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। जीत के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल है। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस का बनते ही जिला पंचायत के बाहर जश्न का माहौल बन गया। मौके पर कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेताओं समेत भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। बड़ी संख्या में कांग्रेस जनों ने नारेबाजी करते हुए जश्न मनाया। भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकार में बैठे हुए लोग झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसान परेशान, मजदूर परेशान, हमारा बेरोजगार परेशान, किसी भी जिधर आप नजर दौड़ाइए सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं है। सभी चीजों से निजात पाने के लिए गांव की भी और शहर की भी आम जनता ने सरकार बनाने का काम किया है। कुछ जगह जरूर भारतीय जनता पार्टी के प्रशासनिक दबाव की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव की वजह से खरीद फरोख्त के माध्यम से कुछ समीकरण जरूर गड़बड़ करने का काम किया है। फिर भी जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है, बदलाव चाहती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सिंगरौली जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के जीते हैं। जिन साथियों ने चुने हुए हमारे प्रतिनिधियों ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया है उनको सबको बधाई देते हैं, और सिंगरौली जिले के जनता जनार्दन का भी हम धन्यवाद करते हैं, उनको भी बधाई देते हैं कि आपने कांग्रेस पार्टी के ज्यादा से ज्यादा जनप्रतिनिधि, पंच, सरपंच, जिला पंचायत, जनपद सभी जगह आपने जिताया है और ये बदलाव विधानसभा और लोकसभा में भी दिखाई दे। जिला पंचायत में हमारी कांग्रेस के प्रत्याशी श्री सोनम सिंह जी थे, जो 10 वोट से विजयी हुई है और अर्चना ये दर्ज की है। सबसे पहले हम बधाई देते हैं जो हमारे जीते हैं, और सिंगरौली की जनता को भी बधाई देते हैं कि भाजपा को हमारे सिंगरौली की जनता ने नकारा है। पूरे प्रदेश में भाजपा अब टुकड़ा भाजपा का साफ होने जा रहा है। कांग्रेस की लहर आ चुकी है, इसका परिणाम 2023 में भी देखने को मिलेगा और मध्य प्रदेश में हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।